ग्वालियर पुलिस द्वारा सटोरियों और जुआरियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे शहर में सटोरियों में हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में ग्वालियर के कंपू थाना इलाके में एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसे पुलिस ने 5,60,000 की रकम बरामद की है। इतना ही नहीं, दो आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल मामले में कंपू थाना क्षेत्र के माड़क की गोट में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सट्टे के अवैध कारोबार से जुड़े इस अड्डे पर छापामार कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने थोड़ी नहीं बल्कि थैला भरकर सट्टे की पर्चियां भी जब्त की। आपको बता दें कि सट्टा कारोबार में महिला भी शामिल है। पुलिस ने इस अड्डे से 2 महिला 3 पुरुष को हिरासत में लिया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी सुरेश बाथम, गीता, नेहा, विक्कू, विशाल से पूछताछ कर रही है और पुलिस का कहना है कि पकड़े गए 2 सटोरियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। तो वहीं सटोरियों ने पुलिस पर भी हमला किया था, जिस पर हत्या के प्रयास और शासकीय कार्य में बाधा सहित कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कंपू थाना क्षेत्र अंतर्गत एक जगह से लगातार सट्टा खिलाए जाने की सूचना मिल रही थी। इस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि इनके ऊपर अच्छी सख्त कार्रवाई करनी है और इस पर चूँकि उनका जो रहवास एरिया है जहाँ पर सट्टा खिलाया जाता था बड़ी पतली गलियों में से था और पिछली बार कुछ इनके द्वारा उपद्रव करने की घटनाएं भी की गई थी, तो एहतियातन पुलिस बल से एक बल लिया गया और कंपू थाना पुलिस के TI के द्वारा अपना बल लेके वहाँ पर दबिश दी गई और वहाँ पर ये 5,60,000 रुपये जब्त हुए हैं। 5 स्त्री पुरुष मिले हैं और साथ में पुरुषों के पास में से एक के पास में से पिस्टल, एक के पास में से कट्टा भी लेते बरामद हुआ है। इसमें पुरुषों का क्या बैकग्राउंड है, क्या है? इसमें से पुरुष है उसके पास, उसके ऊपर पहले से ऑलरेडी 8 प्रकरण पंजीबद्ध हैं और जो दूसरा युवक है उसके ऊपर से 2 प्रकरण पहले से पंजीबद्ध हैं और यह आर्म्स एक्ट की कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए ग्वालियर से गुड्डू सविता की रिपोर्ट।